फिर अगर आपने हॉलीवुड की बैड बॉयज मूवी देखी है तो उसको कुछ कुछ इन लोगों ने वैसा बनाने की कोशिश करी है, बस इन लोगों ने वो बैड वाले पार्ट को ज्यादा सीरियसली ले लिया। बट ये किसका आइडिया था कि टाइगर को कॉमेडी डायलॉग्स देने? भाई अक्षय कुमार तो फिर भी ठीक थे। अली अब्बास जफर जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहले काफी सक्सेसफुल मूवीज बनाई हैं, बट इसके अंदर मैंने जितनी पिक्चरें देखी है वन ऑफ हिज वीकेस्ट वर्क। तो पूरे फिल्म में ये लोग भागते ही रहते। अच्छा मेरे को बाद में मालूम पड़ता है कि ये लोग हम लोग को हिंट दे रहे कि तुम लोग ऐसे ही थिएटर छोड़ के भागो। अरे एक चीज याद आई, अगर इस मूवी के अंदर सब गूंगे होते ना भाई, मेरे लिए मूवी मास्टरपीस थी। जैसे ही ये मुंह खोलते हैं ना, इसकी माँ का किसको पकड़ के मारूं। अबे भाड़ में गया यार, मेरे को करनी ही नहीं रिव्यू वीडियो यार, ये क्या बात है, ऐसे नहीं होता यार। सो ऑल राइट, तो स्वागत है दोस्तों वापस से, लेके आए ना हम टॉपिक से। आज का टॉपिक वायरल से ज्यादा डिस्कशन का विषय है, यानी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि दिलजीत दोसांझ की शादी की फोटोएं ढूंढे या बड़े मियां छोटे मियां को हिट या फ्लॉप को कैटेगरी में डाले। बड़ा कौन है? कंफ्यूजन मतलब दोनों पे। टॉपिक वायरल तो है भाई, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो आप लोग वेट कर रहे थे मेरे मूवी के रिव्यू का फॉर BMCM BMCM, I mean to say बड़े मियां छोटे मियां, बट मैंने इस बार रिव्यू नहीं डाला बिकॉज इस बार सोशल मीडिया पे इस मूवी को लेके बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन थे। बट जब मैंने ये मूवी देखी तो मेरे ओपिनियन सोशल मीडिया से बहुत ही हटके थे, तो मैं नहीं चाहता था कि किसी तरह की यू नो कॉन्ट्रोवर्सी में फंस के मैं भी मैक्सटन जैसा स्टार बन जाऊं। मुझे क्यों तोड़ा? एंड सेकेंडली कुछ चीजें चल रही है बैक साइड यानी कि बैक ऑफ द कैमरा जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, बट हाँ डेफिनेटली कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है। अच्छा, जिसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और वो आपको बहुत जल्दी चैनल पे दिखेगा, तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ऐसे और इससे अच्छे वीडियोज फ्यूचर टाइम में आपको देखने मिलते रहेंगे। तो बैक टू द टॉपिक यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में, तो देखो भाई इसमें सब कुछ था। मतलब अगर आप देखोगे तो एक बड़ा रियल लोकेशन सेट, उसके अलावा रियल इन कैमरा एक्शन, इसके अलावा नो बॉडी डबल या स्टंट डबल यूज, सारी चीजों का VFX बहुत ही अच्छी तरीके से वेल डिजाइंड वेल कोरियोग्राफ्ड, बट स्टिल मूवी लैक कर गई अपने आप को ब्लॉकबस्टर बनाने में। स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया, सेंटेंस बहुत बढ़िया, अच्छे से पूरी मूवी को नरेट किया गया, कहीं पे भी स्टोरी का प्रेडिक्शन नहीं था, मतलब नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, बट स्टिल मूवी पूरी तरीके से लैक कर गई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ, जहां पे आपको मैं बताता हूँ कि बड़े मियां छोटे मियां क्यों एक अच्छी मूवी थी बट चल नहीं पाई। देखो सबसे पहले अगर इस मूवी के ओवरऑल की बात करें तो एक ये ऐसा टॉपिक था जो नॉर्मली हमें हमारी एक्शन मूवीज में या स्पाई मूवीज या सोल्जर मूवीज में नहीं देखने मिलता। हम अमेरिका की तरफ क्यों जाए जब हम इंडिया को ही इतना एडवांस दिखा सकते हैं, जहां पे एक बंदा इंडिया के अंदर ही एक ऐसा वेपन क्रिएट कर रहा है जो AI बेस्ड है और पूरी तरीके से मॉडर्न वॉर को चेंज कर देगा, वॉरक्राफ्ट पूरी तरीके से बदल देगा। तो इसके ऊपर पूरी बेस्ड है मूवी, जिसके अंदर हमारे पृथ्वीराज जो है वो एक AI टेक्नीशियन या फिर IT एक्सपर्ट है जो एक ऐसा वेपन बना देता है जो इंडिया के लिए आता है काम। इंडिया के अंदर कुछ लोगों को लगता है कि ये वेपन बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होगा, यानी कि ओपी इन द चैट होगा। जोक जो हो सकता है आगे जाके अलग तरीके की जनरेशन डेवलप कर दे, यानी कि जो इलॉन चाचा इतने सालों से चिल्ला रहे कि AI हम पे कंट्रोल करेगा, वही चीज इस मूवी में पूरी तरह से खुल के दिखा दी है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो मैं यहाँ पे स्पॉइलर के तौर पे रिवील नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए स्टोरी को इतना समझ लो कि दो कमांडो AI चाचा के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, जो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। अगर मैं मूवी की बात करूँ तो सिनेमेटोग्राफी बहुत ही रिच और बहुत ही सही थी, वाइड एंगल्स अच्छे तरीके से यूटिलाइज किए गए, क्लोज एंगल्स भी कहीं कहीं पे लैक करते हैं, बट मोस्टली पूरी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से ली गई है।
जो शॉट्स जहां से होने चाहिए थे वहां से लिए गए हैं, कुछ नए एंगल्स यूज नहीं किए, बट हाँ जितने भी किए गए वो अच्छे हैं। पूरी मूवी का बेस्ट चीज मुझे ये लगा कि नो बॉडी डबल या नो स्टंट डबल, सारे सीन्स अक्षय एंड टाइगर ने खुद किए, वो भी इन कैमरा एक्शन है, यानी कि लो से लो CGI और VFX यूटिलाइजेशन के साथ स्टोरी के अंदर के ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आपका माइंड ब्लो करने के लिए रेडी रहते हैं। और 3 घंटे की ये मूवी कहीं पे भी आपको बोर नहीं होने देती, ये मेरा फीलिंग था। मुझे कहीं पे भी ये मूवी अपने इंटरेस्ट से कम नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं एंगेज था स्टोरी में, कैसी भी करके इस तरीके की स्टोरी में एंगेज था। मेल फीमेल को प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया, यहाँ पे मानुषी चिल्लर एंड अलाया एफ को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट किया गया, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लौंडे हैं जो लगे पड़े हैं दुनिया बचाने, इंडिया को बचाने, नहीं ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में, जो लिटरली मतलब थोड़ा सा अनबेरेबल भी है। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात अगर मैं बताऊँ तो एक आइकॉनिक मूवी इसलिए आइकॉनिक बनती है क्योंकि उसके डायलॉग लोग रिपीट करते हैं, रील्स बनाते हैं, रील्स में यूज करते हैं, शॉर्ट्स में यूज करते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पे या एक रूटीन लाइफ में भी वो डायलॉग एक कॉमन कैच फ्रेज बन जाता है। बट इस मूवी के डायलॉग्स, मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है, उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है, तो डेफिनेटली डायलॉग एक बहुत ही पुअर रिटन स्क्रिप्ट का पार्ट है यहाँ पे, जिसके अंदर बड़े मियाँ छोटे मियाँ पूरी तरीके से गिर जाता है। यू नो टाइगर श्रॉफ के पहली बात तो कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है नहीं, सेकेंडली अगर वो कॉमिक टाइमिंग ट्राई भी कर रहे हैं बट नो, इन्होंने बहुत कोशिश की है कुछ लेटेस्ट अभी के ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर अपने लेम जोक्स मारने की या फिर उसको एक यू नो इन फिंगर करने की, बट कहीं से भी ये चीज प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। सेकेंडली टाइटल, अगर इस टाइटल को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है मूवी में ये आपने देख लिया तो आई बिलीव, मतलब आप इसके बाद कभी भी सोल्जर बेस्ड मूवी में आपको विश्वास नहीं आएगा, बिकॉज यार एक इम्पोर्टेंट मिशन चल रहा है जहाँ पे एक एम्बेसडर एक टेररिस्ट ग्रुप के यू नो किडनैपिंग में फंसा हुआ है, उसको बचाने के लिए कहीं और कंट्री में हमारे इंडियन सोल्जर्स जा रहे हैं, और वो इस मिशन का नाम कैसे रखते हैं, मूवी रेंडमली सॉफ्टवेयर पे सर्च करके, मतलब छोटी बच्ची हो क्या, इससे अच्छा यही दिखा दिया होते कि वो लोग सही में गोविंदा एंड अमिताभ बच्चन के फैन, डायहार्ड फैन है, जिसकी वजह से उनको वो मूवी पसंद थी और वो उन्हीं की जोड़ी के नाम पे अपनी जोड़ी का नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ रख दिया। बहुत हो गया बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ, हम कह रहे हैं 1 मिनट के अंदर इज्जत से जाने दो वरना, तो शायद ज्यादा बेटर होता ना कि ये दिखाने में। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यार ये कुछ चीजें ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही थी। इसके अलावा और एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई, थ्रू आउट द एक्शन सीन्स अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ भाग रहे, दौड़ रहे, गोलियां चल रही है, बम फूट रहे, बट मजा आ रहा है इनको एक गोली छू के निकल जाए भाई, छू के मतलब टच से मौत को छू के टच के वापस, मतलब कैसे हो सकता है। ये रजनीकांत के बाद यही तो है जिनकी वजह से मूवियां चल रही है, और उसके अलावा अली अब्बास जफर इनको इंजर्ड कर देगा तो आगे के सीन्स शूट किससे करवाएगा, बॉडी डबल तो यूज ऐसे ही नहीं कर रहे। लॉजिक है ना भाई, लॉजिक तो है, इसीलिए तो एक भी गोली इनको लग नहीं रही थी। साथ ही साथ माना कि इसकी स्टोरी बोरिंग नहीं है और आपको एंगेज रखती है थ्रू आउट 3 घंटा, खाओ मां कसम, बट 3 घंटा मतलब कम ऑन सीरियसली, इस मूवी को 3 घंटा चलाया आपने। अगर आप ये चाहते 2 घंटा 2.5 घंटे के अंदर ये मूवी इजीली कट आउट हो सकती थी, क्योंकि वैसे भी आपने इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 के लिए तो कुछ प्रिपरेशन किया है नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें BGM स्कोर यानी बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स के बारे में तो मैं ओवरऑल बता दूं भाई, देखो कैसा है बैकग्राउंड म्यूजिक, एकदम इम्पैक्टफुल नहीं है बट हाँ एकदम मिसमैच भी नहीं है एक्शन सीन्स या फिर कोई भी सीन्स के साथ, बट गाने भाई कहीं से भी ऐसे गाने लिटरली है ही नहीं जो मजा दे जाए। एनिमल के बाद कोई ऐसी मूवी मुझे याद नहीं जिसके गाने वायरल हो रहे हो या
एनिमल से पहले पुष्पा एंड केजीएफ के अलावा ऐसी कोई मूवी मुझे याद नहीं जिसके गाने बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हो। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसी मूवी है जिसके गाने वायरल हो रहे थे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड मैं शॉक हूँ इसलिए बिकॉज अक्षय कुमार की मूवी के गाने वायरल नहीं हो रहे। ये थे बैड पॉइंट्स, मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं बट थोड़ा वीडियो भी छोटा रखना है। तो ये थे बैड पॉइंट्स। इसके अलावा अगर मैं किसी की तारीफ करना चाहूंगा तो वो अक्षय कुमार है। उन्होंने ये एज में भी इस तरीके का एक्शन कम्प्लीटली किया है खुद से, वो बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही साथ एनर्जी थ्रू आउट द मूवी अक्षय कुमार की कहीं पे भी लो नहीं लग रही थी। सेकेंड एंड द बेस्ट थिंग उनका वो हेरा फेरी से लेके अभी तक वाला जो जितनी भी भागम भाग वाला जो ह्यूमर है वो वापस से मुझे झलक इस मूवी में थोड़ा बहुत दिख रहा था। और वो खुद को भी ट्रोल वो वाला पोज जो है हेरा फेरी वाला वो भी इन्होंने यहाँ पे ट्राई किया है। सो मुझे अच्छा लगा अक्षय कुमार को बैक टू द कॉमेडी में देख के। एंड डेफिनेटली उनके एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने कहा था कि वो इस साल में 4 कॉमेडी मूवीज डिलीवर करने वाले हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन अगर BMCM को लेके मेरा सुनोगे तो डेफिनेटली अभी तक या तो आपने ये मूवी देख ली होगी और या तो बहुत सारा बैड रिव्यूज के चक्कर में मजे लेने के लिए जाके देख ली होगी। तो जो भी है देखो भाई मूवी बुरी नहीं है, मूवी अच्छी है, एक्शन सीन्स अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, अच्छी तरीके से बनाई है। नेटफ्लिक्स ने लिटरली अपना प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है इंडियन मूवी पे। कुछ चीजों की वजह से मूवी थोड़ी सी लैग कर जाती है ब्लॉकबस्टर हिट बनने से। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़े तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह।